राजस्थान पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगी है, जिसके बाद बदमाशों में काफी खौफ देखा जा रहा है और यही कारण है जिसके चलते प्रदेश में अपराध के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। अपराध के आंकड़ों में गिरावट देखना केवल पुलिस महकमे में अधिकारी खुश हैं बल्कि सरकार भी पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है। पिछले 3 महीने में तकरीबन 30,000 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखें पूरी रिपोर्ट। पुलिस ने विभिन्न एक्ट में 4 माह में दर्ज किए 21,996 प्रकरण, आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किए 4,718 शराब तस्कर, एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार किए 761 मादक पदार्थ तस्कर, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए 1987 हथियार तस्कर, विस्फोटक एक्ट में गिरफ्तार किए 49 आरोपी, जुआ अध्यादेश में गिरफ्तार किए 8,456 आरोपी। पुलिस की कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्थान पुलिस पिछले 3 से 4 महीनों से जिस एक्शन मोड पर चल रही है, वही पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशन चलाकर उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के चलते क्राइम का ग्राफ काफी हद तक कम हुआ है। ऐसे संगीन अपराध जिनका ग्राफ साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा था, उनमें भी कमी देखने को मिली है। डीजीपी उमेश मिश्रा खुद राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ऑपरेशन पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। वहीं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश द्वारा सभी ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में हत्या, डकैती, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और नकबजनी की वारदातों में कमी देखने को मिली है। पिछले वर्ष से इस वर्ष की शुरुआती 4 महीनों की तुलना में हत्या के प्रकरणों में 4% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। हमारे डीजीपी सर श्री उमेश मिश्रा सर और राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच ने एमएन दिनेश सर के लीडरशिप में पूरे राज्य स्तरीय रेंज स्तरीय अभियान चलाया, जो कि कई चरणों में चला और उसके बाद एक साथ भी पूरे राज्य में भी अभियान इसका चलाया गया, जिसको भी हम लोग एरिया डोमिनेशन कहते हैं। जो बदमाश पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे उनको चेक किया गया, उनके घरों की भी तलाशी ली गई और उसमें कई सारे मुकदमे एनडीपीएस के आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए, चोरी की गाड़ियां पकड़ी गई और साथ में अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो बहुत सारे अपराधी पीओ थे, स्टैंडिंग वारंट्स थे और विभिन्न प्रकरणों में वांछित चल रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 30,000 के आसपास अपराधियों को 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर गिरफ्तार किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसका सीधा असर जो है वो अपराध के आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह डकैती के प्रकरणों में 25% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वहीं दुष्कर्म के प्रकरणों में 5% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 4% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वहीं नकबजनी के प्रकरणों में 8% की कमी दर्ज की गई है और अन्य आईपीसी के प्रकरणों में तकरीबन 1% की कमी दर्ज की गई है। पुलिस लगातार एरिया डोमिनेंस ऑपरेशन चलाकर बदमाशों की कमर तोड़ रही है और जनता राहत की सांस ले रही है। बाड़मेर में शादीशुदा युवक विवाहिता के बीच प्रेम प्रसंग मामले में विवाहिता के पति सरपंच सहित 8-10 लोगों ने प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला। बाड़मेर जिले की सदर पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए अब तक 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखें पूरी रिपोर्ट। शादीशुदा युवक विवाहिता के बीच लव अफेयर, पति पत्नी के बीच थी अनबन, पीट पीट कर प्रेमी का किया मर्डर, सरपंच, 2 महिलाएं सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार रावता राम उर्फ राजू राम और उसकी पत्नी अनीता के बीच में अनबन चल रही थी। पत्नी अनीता बाड़मेर शहर के शिवनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही थी। 24 मई की रात को प्रेमिका अनीता के किराए के मकान में प्रेमी मदन और उसका पिता पताराम सो रहे थे। इसकी भनक उसके पति रावता राम को लग गई। गाड़ियों में सवार होकर आए राजू राम उर्फ रावता राम, शंकरा राम, भेरा राम, सरपंच बंशी राम सहित अन्य 8-10 लोग आए, प्रेमी और उसके पिता पर हमला कर दिया। इसके बाद महिला के प्रेमी मदन की पीट पीट कर हत्या कर दी, वहीं पिता के पैर तोड़ दिए।
जानकारी लगने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर इलाज के दौरान प्रेमी मदन की मौत हो गई, वहीं पिता का इलाज चल रहा है। 24 तारीख को रात्रि को हमें सूचना मिली कि इस तरह से कोई घायल है, तो मौके पे हमारा डीओ गया, फिर मैं भी मौके पे गया, घायलों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। तो पत्ताराम जो है उसने बयान दिया घायल अवस्था में कि मैं और मेरा पुत्र यहाँ शिवनगर में आए हुए थे, तो रात को रावताराम उर्फ राजू, शंकरा और बंसी भैरा, इस तरह से करीबन 8-10 लोग आए और हमारे साथ में मारपीट की। मारपीट से मैं गंभीर घायल हुआ और मेरा जो लड़का मदन है वो इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई, जिस पर हमने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। और लगातार एसपी साहब के निर्देशन में हमने टीमें गठित की और टीम द्वारा इन आरोपियों को, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से रावताराम उर्फ राजू जो अनीता का पति है और मुख्य आरोपी है, और उसके साथ में शंकरा, एक बंसीराम, भैराराम, 4 जनों को किया है। जिले के सदर थानाधिकारी किशन सिंह के मुताबिक मृतक मदन का अनीता के घर पर आना जाना था। 24 मई की रात को मदन का वहां होने की भनक लगने पर रावताराम उर्फ राजूराम सहित 8-10 पत्नी को लेने के लिए रात को गए। जब वहां पर मदन और उसका पिता पताराम मिल गए तो इनको गुस्सा आया और मारपीट शुरू कर दी। 2 महिलाएं सहित अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राजूराम उर्फ रावताराम है। इसके अलावा शंकराराम, भैराराम और सरपंच बंशीराम को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उदयपुर जिले की गोंगुदा थाना पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस इसे हार्ट अटैक से मौत होना बता रही है, लेकिन परिजन इसे पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट कर हत्या होने का आरोप लगा रहे हैं। मामले में पुलिस फिलहाल पूरी तरह संदेह के घेरे में है, जिसको लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने थाना अधिकारी समेत थाने का समस्त स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया है। देखें पूरा मामला। थाने में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप, परिजनों ने खाकी पर दागे सवाल, पूरा थाना लाइन हाजिर। जिले की गोगुदा थाना पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस की भूमिका पर संदेह है। युवक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक का नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत को गुजरात से गोगुंदा थाना पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी। युवक पर महिला को भगा कर ले जाने का आरोप बताया जा रहा है। युवक की मौत के बाद गोगुंदा कस्बा छावनी में तब्दील हो गया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राजपूत संगठनों के पदाधिकारी के द्वारा गोगुंदा थाना का घेराव किया जा रहा है। इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस के आला अधिकारी के साथ भी भारी जाप्ता मौजूद है। मृतक कैदी के पिता उदयलाल देवड़ा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 1.5 माह पहले मेरे बेटे सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने मारपीट के आरोप में पकड़ा था, फिर उसके साथ थाने में ले जाकर बुरी तरह मारपीट की थी। मेरा जवान बेटा चला गया, अब मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब थानाधिकारी सहित थाने के सभी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मौके पर मौजूद परिजन और गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। वे गोगुंदा थाना अधिकारी सहित पूरे स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। इधर माहौल गर्माता देख भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। मौके पर उदयपुर ACP मंजीत सिंह सहित आला अधिकारी भी पहुंच गए। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि थाना क्षेत्र के देवड़ों का खेड़ा की एक युवती घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने गांव के सुरेंद्र सिंह पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को पुलिस युवक और युवती को गुजरात से पकड़कर थाने लेकर आई। पुलिस ने बताया कि युवक सुरेंद्र सिंह देवड़ा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि मृतक की मौत होने का क्या कारण था। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए DGP उमेश मिश्रा ने थानाधिकारी समेत पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। अलवर में रजिस्ट्रार ऑफिस की AAO ने जहर की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी।
मौत के बाद ससुराल वाले और पीहर पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुसाइड से पहले महिला अधिकारी ने सुसाइड लेटर भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। महिला अधिकारी ने किया सुसाइड, लेटर में लिखा जिंदगी से थक चुकी हूं मैं। सुसाइड से पहले महिला अधिकारी ने सुसाइड लेटर भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, अपनी जिंदगी से थक चुकी हूं। मामला अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मनु मार्ग का है। महिला अधिकारी की मौत के बाद पीहर पक्ष की ओर से महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। सोनिया खत्री की शादी 18 साल पहले मनु मार्ग निवासी अकाउंटेंट दीपक ग्रोवर से हुई थी। सोनिया अलवर के रजिस्ट्रार ऑफिस में AAO एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पद पर तैनात थी। सोनिया गुरुवार को ऑफिस गई थी। शाम को घर आने के बाद सोनिया परेशान थी। इसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर सल्फाज की गोलियां खा ली। इधर जैसे ही सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगी, परिजन उसे अलवर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर आए। यहां से उसे निजी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। ये मृतका के भाई ने रिपोर्ट दी है थाने पर उपस्थित होकर। राकेश खत्री सनोप स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी खत्री, ये कोतवाड़ी इलाके के लाजपत नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी बहन जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस अलवर में ओए के पद पर कार्यरत थी, कल उनके ससुर ने फोन करके बताया कि उसने सेल पोस्ट खा करके आत्महत्या कर ली। जबकि इनका रिपोर्ट के अंदर ये उन्होंने लिखित में आरोप लगाया है अपने सास ससुर और पति के ऊपर कि ये शादी के बाद से पैसों को लेकर के सुतंग परेशान करते थे, जिस बाबत हमने कोतवाली में पहले कोई रिपोर्ट भी दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अब इसकी डेड बॉडी के आगे पंचनामे कार्रवाई की जा रही है। बॉडी मुर्दा घर में है, अभी अनुसंधान करें। परिजन महिला सोनिया खत्री को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला सोनिया खत्री ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं। इसके लिए किसी को परेशान नहीं किया जाए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और पुलिस महिला की मौत के मामले में जांच करने में जुट गई है। महिला थाना प्रभारी चौथमल वर्मा ने बताया कि मृतका सोनिया खत्री मनु मार्ग की रहने वाली थी और वह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत थी, जिसकी शादी 21 अक्टूबर 2004 में मनु मार्ग निवासी दीपक ग्रोवर के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद से पति दीपक ग्रोवर साथ सुशीला ससुर रूप नारायण सोनिया खत्री को पैसों के लिए तंग करते थे, जिस पर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सोनिया खत्री के पति दीपक ग्रोवर अकाउंट का कार्य करते हैं और इनकी दो बेटी हैं। मृतका सोनिया खत्री के भाई राकेश ने महिला थाना पुलिस को पति सास ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है। कोटा में ACB ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस की ASI को गिरफ्तार किया है। ASI रिश्वत की राशि लेने दिल्ली से कोटा आई थी, जहां ACB ने रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने 8 जून तक हवालात में भेज दिया है। देखें पूरी रिपोर्ट। कोटा ACB की जाल में फंसी ASI, दिल्ली से कोटा आई रिश्वत लेने, पीड़ित से लिए 20,000 रुपए, केस कमजोर करने की एवज ली रिश्वत। जिले में चलती ट्रेन में ACB की गिरफ्त में आई दिल्ली पुलिस की महिला ASI को आज सुरक्षा के बीच न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी महिला ASI को 8 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात चलती ट्रेन में दिल्ली पुलिस की महिला ASI को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी महिला ASI रिश्वत की राशि लेकर तुरंत ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन ACB की टीम ने पीछा करके गिरफ्तार कर लिया और अगले स्टेशन पर नीचे उतार लिया। कोटा ACB ने जाल बिछाया और तय प्रोग्राम के मुताबिक जब रेखा सिंह दिल्ली से कोटा परिवादी से जांच के मामले में मिलने पहुंची और जब वह नंदा देवी ट्रेन से शाम को रवाना हुई, तभी कोटा ACB की टीम वहां पहले से सतर्क बैठी हुई थी। ASI रेखा सिंह ने ट्रेन स्टार्ट होते ही परिवादी से घूस के 20,000 रुपए लिए और ट्रेन में बैठ गई। तभी कोटा ACB की टीम ने रेखा सिंह को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया और अगले स्टेशन गुड़ला पर उतारा गया और कोटा लाया गया।
कोटा एसीबी की टीम द्वारा कल दिल्ली पुलिस की एएसआई है मिसेज रेखा सिंह, दिल्ली में मानसरोवर पार्क थाना है वहां पे ये पदस्थ है, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक परिवादी है जो कोटा का रहने वाला है आशीष, इसने एसीबी को अप्रोच किया था 4-5 महीने हो गए इस बात कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दिल्ली में दर्ज है, इसकी जो पत्नी है उसने दर्ज करा रखा है 491 का आईपीसी का मुकदमा है। तो उस मुकदमे की आईओ जो अनुसंधान अधिकारी है वो ये एएसआई मैडम से रेखा सिंह है। आशीष का कहना था कि इसको बुलाया गया था दिल्ली और इसके केस में इसके परिजनों की हेल्प करने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की थी। ये जब दिल्ली गया था अपने कजिन के साथ तब इससे 14,000 रुपए ले लिए गए थे ये मेरा पेपर, और बोला कि जो शेष 36,000 रुपए है तो मैं खुद कोटा आके तुम्हारे से ले लूंगी और जो मेरी इन्वेस्टिगेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो भी कर दूंगी। तो कल ये जो आरोपिया है कल सुबह दिल्ली से बाई ट्रेन कल सुबह कोटा पहुंची, कोटा पहुंचने के बाद परिवादी के घर गई तो वहां पे उन्होंने बातचीत की होगी और डे लॉन्ग इनका स्टे वही था और इनसे पैसों की डिमांड की थी आशीष से, परिवादी से। आशीष ने एसीबी को अप्रोच किया था क्योंकि ये पहले से टच में था और डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया, तो कल ही डिमांड वेरिफिकेशन पुख्ता तरीके से हो गया। उसमें ये था कि जो शाम को 5:55 पे यहाँ से कोटा से दिल्ली ट्रेन जाती है नंदा देवी एक्सप्रेस, वहां पे इनका शेड्यूल्ड डिपार्चर था कि ये वापस दिल्ली उसमें जाने वाले, और परिवादी को इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि आप मुझे ट्रेन तक सीओ करने होंगे। तो परिवादी एक तरह से उनके साथ ही था और जब फर्द दृष्टांत की कार्रवाई हमने करी जो परिवादी से पैसे लेके और जो हमारी इसकी जो प्रक्रिया है और वो करने के बाद जब पैसे देने थे तो एक वक्त तक वो मैडम ने पैसे नहीं दिए, जब ट्रेन गति पकड़ ली स्टार्ट हो गई गति पकड़ ली उसके बाद इन्होंने परिवादी से पैसे दिए। लेकिन चूंकि हमने उसकी प्लानिंग कर रखी थी तो हमारी जो ट्रेन टीम जिसमें इंस्पेक्टर जो हमारी मैडम है चंद्रवाद इंस्पेक्टर है वो गवाहान और जो ट्रेन टीम के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी इस ट्रेन में इनके साथ चढ़ गए और वहां पे जाके जो मैडम वो अंदर थी फौज में उनको डिटेन किया। बता दें कि एसीबी कोटा की टीम ने ट्रैप की बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते दिल्ली की घूसखोर महिला एएसआई को ट्रैप किया। एएसआई रिश्वत लेने के लिए दिल्ली से चलकर कोटा में परिवादी के घर पहुंच गई, पैसा लेकर वापस दिल्ली लौटते समय एसीबी ने दबोचा। एएसआई रेखा सिंह दिल्ली के मानसरोवर पार्क शहादरा में पोस्टेड है। महिला एएसआई ने एफआईआर से नाम हटाने और केस को कमजोर करने की एवज में परिवादी से 50,000 की रिश्वत की डिमांड की थी। एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि 15 नवंबर 2022 को परिवादी आशीष सैनी ने कोटा एसीबी चौकी में शिकायत दी थी जिसमें बताया था कि उसकी पत्नी ने 10 सितंबर को उसके खिलाफ दिल्ली के मानसरोवर पार्क शहादरा में थाने में दर्ज कराया है मामला। मामले में परिजनों का नाम हटाने और केस कमजोर करने की एवज में एएसआई रेखा सिंह 50,000 रिश्वत की मांग कर परेशान कर रही है। 14,000 रुपए पहले ही ले चुकी, बाकी 36,000 की और डिमांड कर रही है। रिश्वत की रकम लेने गुरुवार को महिला एएसआई दिल्ली से कोटा आई, शिकायत सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई जिसके बाद कोटा एसीबी की टीम ने तुरंत जाल बिछाया। आरोपी एएसआई ने परिवादी से 20,000 की रिश्वत ली और स्टेशन से ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। इशारा मिलते ही एसीबी की टीम भी ट्रेन में चढ़ गई और अगले स्टेशन गुड़ला में एसीबी की टीम ने उसे उतार कर गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल एसीबी की टीम महिला एएसआई के आवास व ठिकाने पर तलाशी में जुटी है जहां कोर्ट ने आरोपी महिला एएसआई को 8 जून तक जेल भेज दिया है।